रूस और यूक्रेन वॉर का 101वां दिन आज हुआ। युद्ध के 100 दिन पार होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जारी किया वीडियो संदेश का, यूक्रेन 100 दिन से अपने हिफाजत करता रहा, जीत हमारी ही होकर रहेगी। रूस यूक्रेन युद्ध के 100 दिन पूरे होने पर यूक्रेन की राजधानी कीव में लगाई गई रूसी सेना के तबाह टैंक्स की प्रदर्शनी, दुश्मन के तबाह टैंक्स को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस लगातार अटैक्स कर रहा है मिसाइल के द्वारा, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को कर रहे हैं रूसी सेना लगातार अटैक। खार्किव में रूसी सेना ने एक लकड़ी के गोदाम पर दागी मिसाइल, हमले के कारण जलकर खाक हो गया गोदाम। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कीव के एक अस्पताल का दौरा किया, युद्ध में घायल हुए सैनिकों से मुलाकात की बाकी। ज़ेलेंस्की के मुताबिक युद्ध के कारण रोज 100 सैनिक गंवा रहे अपनी जान को। खाद्य संकट पर पुतिन का बयान, कहा दुनिया की खाद्य समस्याओं के लिए रूस को दोषी ठहराने की जा रही है कोशिश, कहा यूक्रेन से अनाज के निर्यात पर रूस ने कभी नहीं लगाए कोई प्रतिबंध। खाद्य संकट पर पुतिन ने कहा है कि बेलारूस के जरिए यूक्रेनी अनाज का किया जा सकता है निर्यात, यूक्रेन की बंदरगाह हमेशा रहेंगे खुले। यूक्रेन से जारी जंग के बीच क्रेमलिन का बयान, कहा यूक्रेन में जारी रहेगा रूसी सेना का मिलिट्री ऑपरेशन, सभी लक्ष्य हासिल करने तक जारी रहेगा स्पेशल ऑपरेशन। पूर्व और दक्षिण यूक्रेन पर रूसी सेना के अटैक्स के बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्री का दावा आया, कहा दक्षिण यूक्रेन में रूसी सेना कर रही है शहरों की घेराबंदी। जानकारी के मुताबिक पूर्व और दक्षिण यूक्रेन के कई इलाकों पर रूसी सेना कर चुकी है कब्जा। युद्ध के 100 दिन पूरे होने पर रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया नया रॉकेट, यूक्रेन पर तंज करते हुए रॉकेट का नाम रखा गया डोनबास। डोनबास में जारी अटैक्स की चपेट में आ गया रूसी पत्रकार, गाड़ी में जाते समय अचानक होने लगी फायरिंग और बमबारी, डोनबास हमलों में 2 विदेशी पत्रकार जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन में रूस के SU-25 लड़ाकू विमान का आतंक, यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइल। डोनबास पर रूस के नेशनल गार्ड्स ने की है जबरदस्त फायरिंग, रॉकेट लॉन्चर से भी अटैक किया गया। डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी सेना का दबदबा बरकरार है। रूस के खिलाफ यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई, कीव में रूसी सेना के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र जारी की नई रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के चलते तकरीबन 1.5 करोड़ लोग बेघर, और युद्ध के कारण 30 लाख बच्चों को बीच में ही अपनी जो पढ़ाई है उसको छोड़ना पड़ गया है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।